फैक्ट्रीज के ऊपर घूम रहे इस मशीन का क्या काम होता है? एक ऐसा आदमी जिसने पोल्शा जितनी महंगी कार फ्री में खरीद ली, और एक ऐसा पेन जिसके अंदर कीड़े होते हैं, और जब भी हम नाखून काटते हैं तो हमें दर्द क्यों नहीं होता? जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 20, क्या आपको पता है कि जब बिल गेट्स की शादी हुई तो एक भी फोटो या एक भी वीडियो इंटरनेट पे नहीं आया? और उसका रीजन ये है कि बिल गेट्स ने शादी हवाई के लनाई आइलैंड पे की थी, और उस एरिया के जितने भी होटल्स थे सबके सब उन्होंने बुक कर लिए थे ताकि कोई भी मीडिया यहाँ पे रूम ना बुक कर पाए। और बस यही नहीं, उन्होंने जितने भी आसपास के अवेलेबल हेलीकॉप्टर थे सब हायर कर लिए ताकि वो लोग हेलीकॉप्टर से उनकी शादी के बीच में ना आ पाए। नंबर 19, यूएसए के एक आदमी ने पोर्शा खरीदी, वो भी बिल्कुल फ्री में। पर कैसे? तो बात यह है कि एक आदमी ने पोर्शा खरीदी और कहा कि मैं पेमेंट चेक से करूंगा, और एकदम रियल चेक की तरह उस आदमी ने सब कुछ फिल करके पोर्शा खरीद ली, और उसके कुछ दिन बाद पता चला कि वो चेक फेक था। और उसके बाद जो फोन नंबर था वो ट्राई किया पर वो भी नॉट रीचेबल था, और वो आदमी आज तक नहीं मिला है। और किस तरीके से उसने फेक चेक किया और सब कुछ किया वो भी आज तक पता नहीं चला है। नंबर 18, क्या आपको पता है डेंटिस्ट इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं? अगर नहीं तो जरा ये फोटो देखो, इस बंदे का एक आईब्रो नहीं है, पर फिर भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपने पहले दांत ही नोटिस किए होंगे, उसके थोड़ी देर बाद आईब्रोज, या शायद मेरे कहने पे ही आपने आईब्रो नोटिस किए होंगे, क्योंकि स्माइल एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर इंसान की सबसे पहले नजर जाती है, सो हमेशा हंसते रहना चाहिए। नंबर 17, आपने हमारे प्राइम मिनिस्टर्स की सारी फोटोज इंटरनेट पे देखी होंगी, पर अब मैं आपको हमारे प्राइम मिनिस्टर्स की ऐसी फोटोज दिखाऊंगा जो बहुत मतलब बहुत ही कम ही लोगों ने देखी है। ये फोटो है सोनिया गांधी की, और ये पुरानी फोटो है मोदी जी की, ये है राहुल गांधी की, और ये है मनमोहन सिंह जी अपने बच्चों के साथ, और ये वाली फोटो है ममता बैनर्जी की। अभी जितने भी मैंने फोटोज दिखाए ये आजकल के लोगों ने बहुत ही कम देखी हैं। नंबर 16, आप पक्का इस कैमरे की फोटो देख के ये सोच रहे होंगे कि इस कैमरे का क्या हाल हो गया, तो मैं आपको बता दूं ये कैमरे का मेल्टेड पार्ट है, और ये कैमरा एक रॉकेट का लॉन्च रिकॉर्ड कर रहा था, पर लॉन्च के दौरान इतनी गर्मी निकली कि ये कैमरा मेल्ट हो गया। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि ये जो कैमरा था वो लॉन्च पैड से करीब हाफ किलोमीटर यानी करीब 500 मीटर दूर था, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो, पर फिर भी लॉन्च ने कैमरे को जला दिया। इतना स्ट्रॉन्ग हीट जनरेट होता है स्पेस शटल लॉन्च करते समय। नंबर 15, आपको टर्मिनेटर मूवी वाले अर्नोल्ड श्वाइज़नेगर के बारे में तो पता ही होगा, तो इनके दो बच्चे थे, इनमें से एक बच्चा अपनी माँ के साथ रहा और छोटा वाला बच्चा अपने पापा के साथ। और अब आप ये फोटो देखो, देखिए दोनों एक ही भाई हैं, पर दोनों में कितना फर्क है, बस जिस तरीके से उनको पाला पोसा गया है उससे वो कितने अलग दिखते हैं। ये है अर्नोल्ड के छोटे बेटे जो इनके साथ रहते हैं, और ये है इनके बड़े बेटे जो कि इनके माँ के साथ रहते हैं। नंबर 14, जापान में एक ऐसा होटल है जहाँ आप ऑलमोस्ट फ्री में रह सकते हो, यहाँ आपको खाना फ्री में दिया जाता है, और यहाँ आप जब तक चाहे रह सकते हो क्योंकि यहाँ बस $1 ही लिया जाता है, पर बस इनकी एक ही शर्त है कि ये आपको पूरे नाइट यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करेंगे, बस ये इनकी एक शर्त है, और अगर आप ये मानते हो तो आप यहाँ बस $1 के प्राइस दे के रह सकते हो। नंबर 13, हाल ही में मॉस्को का वेदर खराब हो गया था जिसकी वजह से काऊ के लिए चारा नहीं मिल रहा था और उसका मिल्क प्रोडक्शन भी कम हो गया था, पर इसका सलूशन निकालने के लिए मॉस्को के कुछ लोगों ने गाय पे VR ग्लासेस का इस्तेमाल किया और VR में एकदम हरी भरी खेतों के वीडियोस दिखाए जिससे काऊ को पहले से भी ज्यादा रिलैक्स और हैप्पी फील हुआ। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये करने के बाद काऊ के मिल्क में ड्रास्टिक चेंज आया और काओ अब पहले से ज्यादा मिल देने लगी। तो इसी फैक्ट के लिए इस वीडियो पे एक लाइक तो बनता है। नंबर 12, ये क्रिकेट के सबसे बड़े कोइंसिडेंस में से एक है। देखो इस फोटो में ABD और MS धोनी दोनों सेम जगह पे देख रहे हैं और उसी टाइम पे विराट और आमला नीचे देख रहे हैं, और इस मैच में विराट और आमला दोनों बहुत बुरा खेले थे। अब ये कोइंसिडेंस है या कुछ और, आप नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 11, क्या आपको इस दुनिया के सबसे ज्यादा टेस्टलेस फूड
के बारे में पता है, नहीं तो उसे कहते हैं कोन्नायाकू और ये एक जापानीज फूड है। इसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होता, मतलब थोड़ा भी नहीं होता, और इसी वजह से इंग्लिश में इसे डेविल्स टंग कहते हैं, जो कि कोन्नायाकू का ट्रांसलेशन है। और बाकी सारी लैंग्वेज में इसे ऐसा ही कुछ कहा जाता है, जिसका मतलब टेस्टलेस होता है। इसको बहुत ही ज्यादा स्टार्च वाले पोटैटो और वाटर को मिलाकर बनाया जाता है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि स्टार्च और वाटर दोनों में कुछ खास टेस्ट, टेक्सचर या फ्लेवर नहीं होता। नंबर 10, अभी मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताऊंगा जो आपको आपकी लाइफ में बहुत काम आएगा। तो एक आदमी इंटरव्यू देने गया था और 3 इंटरव्यूअर्स वहाँ पे मौजूद थे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस और डिग्रीज देखने के बाद इंटरव्यूअर ने अपना फाइनल क्वेश्चन पूछा। वो ये था कि टेबल पे जो ग्लास रखा हुआ है उसे उठा के बताओ, वो भी बिना हाथ लगाए। तो आदमी ने कहा, मुझे पे कोई ग्लास नहीं दिख रहा। तो इंटरव्यूअर ने कहा, तुम्हारे सामने ही तो है ग्लास, उसे उठाओ। तो आदमी ने कहा, यहाँ कोई ग्लास नहीं है, सॉरी पर मुझे कुछ नहीं दिख रहा। तो इंटरव्यूअर ने थोड़ा फ्रस्ट्रेट होके बोला, हम तीनों को तो दिख रहा है, तो तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा। तो आदमी ने पोलाइटली कहा, क्योंकि यहाँ कोई ग्लास है ही नहीं। तो इंटरव्यूअर बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया और उसने ग्लास उठाते हुए कहा, ये रहा ग्लास। और उतने में दूसरे 2 इंटरव्यूअर्स हंसने लगे और आदमी ने कहा, बिना छुए मैंने को उठा लिया, थैंक यू सर। नंबर 9, एक फोटोग्राफर ने 18 कैमरे सेट किए और करीब 64 दिन तक वेट किया, यानी ऑलमोस्ट 2 मंथ का वेट किया एक ऐसा फोटो निकालने के लिए। आप सोच रहे होंगे इसमें इतना कमाल का क्या है। तो अगर आप इसे उल्टा करोगे तो आपको सेम एक परफेक्ट इमेज ही मिलेगा। ये बनाना आसान नहीं है, खासकर अगर हम नेचुरली बात करें तो, क्योंकि परफेक्ट वाटर जैसा स्काई सेट होना उतना भी आसान नहीं है, और थोड़ी सी गलती पूरे फोटो का कॉन्सेप्ट बिगाड़ है। ये फोटो बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट तरीके से खींचा गया है। देखो ये सीधा है और ये उल्टा, पर फिर भी फर्क पता नहीं चलता। कमाल की फोटोग्राफी है, इस फोटो के लिए 1 लाइक तो बनता है। नंबर 8, ये बहुत ही स्मार्ट फैक्ट है। जैसे कि आपको पता होगा कि जब भी हम बीच पे घूमने जाते हैं तो लहरों का मजा लेते लेते एक ना एक मेंबर को सबके सामान का ध्यान रखना पड़ता है, जिसकी वजह से वो व्यक्ति अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाता। तो इसका बहुत ही ज्यादा स्मार्ट सोल्यूशन है कि जब भी आप बीच पे जाओ तो साथ ही 1-2 डायपर के पैकेट्स लेके जाओ और अपने सामान को डायपर के अंदर रख दो, और उसके बाद आप बीच पे अच्छे से एंजॉय कर सकते हो अपने सामान की कोई चिंता किए बिना, क्योंकि डायपर को कोई भी चेक नहीं करता। नंबर 7, अभी ये जो बाइक आपकी स्क्रीन पे दिख रही है वो आपको पहली बार देखने में थोड़ी अजीब लगेगी, पर आपको ये जितनी भी अजीब लगे, ये बाइक बनाई गई है एक कमाल के मोटिव से। दरअसल बात ये है कि ये दोनों भाई हैं और उनमें से एक भाई की आंखें पैदाइशी चली गई थी, और इसी वजह से दूसरे भाई ने ऐसी बाइक बनाई जिसमें बैठ के उसके भाई को ऐसा लगे जैसे कि वो ही बाइक चला रहा हो, और बाइक चलाते समय उनको भी विंड की फीलिंग आ सके। वो भी ऐसी बाइक में दोनों भाई को आएगी जो कि एक अंधा आदमी कभी फील नहीं कर सकता। नंबर 6, अभी मैं आपको जो पेन दिखाने वाला हूँ वो शायद ही आपने कभी देखा होगा, क्योंकि इस पेन के अंदर कीड़े होते हैं। दरअसल ये पेन इस तरीके से मैन्युफैक्चर किया जाता है कि आधे पेन में एक पानी टाइप का फ्लूइड भरा जाता है और उसके बाद इनमें जिंदा वर्म्स डाल दिए जाते हैं। फ्लूइड इन वर्म्स को कई टाइम तक मरने से बचाता है, और वर्म होने की वजह से आप इस पेन को घिनौना मत समझो, क्योंकि ये पेन का लुक काफी अच्छा होता है, और लिखते समय जिस तरीके से ये रिंग वर्म्स तैरते हैं वो देखने में काफी अच्छा लगता है। वैसे इससे ज्यादा कुछ खास तो है नहीं इसमें, पर फिर भी इस पेन की कीमत बहुत ज्यादा होती है। नंबर 4, क्या बाइक चलाते समय स्लीपर्स पहनते हो? अगर हाँ तो आपको ये नहीं पहनना चाहिए। इंडिया के अमेंडेड मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंदर अगर किसी को बाइक चलाते समय स्लीपर्स, चप्पल्स और फ्लोटर्स पहनना अलाउड नहीं है, और अगर आप ये पहनते हुए पकड़े जाते हो तो आपको 1000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा, और अगर आपको 3-4 बार ऐसे करते हुए पकड़ा जाता है तो आपको 15 दिन की जेल भी हो सकती है, और इसीलिए आपको ये नहीं पहनना चाहिए, और इससे एक्सीडेंट के चांस भी बढ़ते हैं। सो अपनी जान के लिए आपको ये नहीं पहनना चाहिए। नंबर 3, ये एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है कि पहले के जो एक्टर्स होते थे उनको ज्यादा पेमेंट नहीं दी जाती थी, लेकिन 1990 से पहले अमिताभ बच्चन ही एक ऐसे एक्टर थे जिनको करोड़ में पेमेंट दी जाती थी। नंबर 2, आपने अपने लाइफ में एक ना एक बार ये फैक्ट्री के ऊपर लगे चमकदार घूमते हुए चीज को देखा ही होगा। तो आखिर इसका पर्पस क्या होता है? अगर देखा जाए तो इसका कोई बड़ा पर्पस नहीं है, पर इसका काम करना जरूरी है। इसे विंड टर्बाइन वेंटिलेटर कहा जाता है। जब फैक्ट्री में
काम किया जाता है। तो बहुत टाइप के टूल्स और इतना सब हैवी मशीनरी की वजह से यहाँ बहुत हीट जनरेट होती है और उसे वहाँ काम कर रहे लोगों को घुटन होगी और बढ़ती गर्मी की वजह से वो अपना काम नहीं कर पाएंगे और इसी वजह से ये लगाए जाते हैं। गर्म हवा हल्की होती है तो वो ऊपर जाती है और ऊपर ये टर्बाइन्स होते हैं और उनकी वजह से ये हवा बाहर भेज दी जाती है और ऐसे फैक्ट्री के अंदर का माहौल अच्छा रहता है और लोगों को गर्मी नहीं होती और वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आराम से काम कर सकते हैं। नंबर वन, आपने कभी न कभी सोचा ही होगा कि नाखून काटते समय दर्द क्यों नहीं होता है, क्योंकि जब भी हमारी बॉडी में थोड़ा सा कट लगता है तो बहुत दर्द होता है, पर नाखून और बाल काटते समय दर्द क्यों नहीं होता? तो इसके पीछे एक रीजन है और वो ये है कि नाखून और बाल जो होते हैं वो डेड सेल्स से बनते हैं जिसमें ब्लड नहीं होता और वो पहले से ही डेड होते हैं, तो उन्हें काटे या ना काटे इससे फर्क नहीं पड़ता, पर बाल जो हैं वो पूरी तरीके से डेड सेल से बनते हैं, इसीलिए आप उसे पूरा काट लो तो भी आपको दर्द नहीं होगा। पर नाखून थोड़ा अलग होता है, वो आधा डेड और आधा अलाइव सेल से बनता है। जितना नाखून का हिस्सा बढ़ता है अगर हम उसे काटे तो हमें दर्द नहीं होगा, पर जो हिस्सा त्वचा से ज्वाइंट होता है उसे काटने से दर्द होता है, क्योंकि उतना हिस्सा अलाइव सेल से बनता है और उसमें ब्लड भी सर्कुलेट करता है। इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि आप ऐसी वैसी वीडियो तो शेयर कर देते हो लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो को छोड़ देते हो, तो इस वीडियो को अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे देश में कोविड की वजह से हालात बहुत खराब है, तो आपका और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, क्योंकि अगर यहाँ तक देखी है तो पसंद आई होगी, और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबाना मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।